हो पाते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल आर वी क्लियर ऑन दैट। आपको ले जा सकता है। वो क्यों जरूरी है बनिहाल के लिए, वो आपको इसके बारे में कवर करेंगे। और वो ये भी बताएंगे कि आप बनिहाल में रह करके टूरिज्म को जब आप प्रमोट करना चाहते हो तो किस तरीके से आपकी स्किल और आपके सीखे हुए कर्तव्य आपको घर पे बैठे बैठे एम्प्लॉयमेंट देगा, वो आपको इस चीज़ का बताएंगे। इसके अलावा मैं HDFC बैंक, मिस्टर अनायतुल्ला अमीर, ICICI बैंक, इन सबका वेलकम करना चाहूँगा। ये बैंक की फैकल्टी आई हुई है जो एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए लोन्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो कि न्यूनतम दर पे लोन दे रही है उसको कवर करेंगे। फिर हमारे पास ACSSA से मिस रूही हैं जो इसी तरह मेहनत करके उन्होंने आज अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है और आज वो इस काबिल हो गई हैं कि आज वो बच्चों को, कई यूथ को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा। मतलब इन चीज़ों को अगर हम हाई लेवल पे थोड़ा ले जाएंगे तो ये रोजगार का एक अच्छा जरिया। सर जरूरी नहीं है कि हमारा बंदा, हमारा कोई नौजवान BA बाकी चीज़ें करके दिल्ली चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, ये तो घर में है सर, ये चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको सबको बताऊंगा कि मैं चार चीज़ों से जो मैं काम करता हूँ सर, दो साल से मेरा पेज एक है सर चिनाब वैली फार्मिंग के नाम से, वो मेहरबानी आप सब वो कर लेंगे क्योंकि सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, उतना टाइम भी नहीं है आपके पास मेरे पास, वहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। बीच में आपका ये सवाल है कि जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उसका क्या मकसद और मोटिव था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सेमिनार यहाँ पे मुनाकिद किया गया था 12 RR की तरफ से जो इंटरप्रेनरशिप और एजुकेशन बेस्ड था, लेकिन वो सेमिनार हुआ था, इसमें जो डिफरेंट बैंक्स के भी ऑफिसर लोग आए थे और डिफरेंट जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के भी कुछ लोग आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने एक अवेयर किया था, ओपन डिस्कशन हुई थी, तो इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे और खासकर मैं बताऊँगा कि बैंक्स बहुत सारे यहाँ पर इस समय आए हुए थे जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया और उनके एक मतलब बिल्कुल उनने साफ और क्लियर बता दिया स्टूडेंट्स को कि जिसको भी लोन चाहिए होगा आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर 12th या एजुकेशन लोन के बारे में उन्होंने बात की, तो जो फॉर्मेलिटीज़ उनकी है उन फॉर्मेलिटीज़ को फिल करने के बाद जो है बैंक रेडी है उनको लोन देने के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अपने बिजनेस यूनिट्स खोलना चाहते हैं, तो वो अपने जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करने के बाद बैंक उनके पास अवेलेबल है, वो वहाँ से लोन ले सकते हैं। यह है तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो थोड़ी सी स्पोर्ट्स मिलती हैं, एक्सप्लोजर मिलता है रिमोट एरियाज़ में। अगर यहाँ देखा जाएगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करके तो जम्मू कश्मीर के सबसे जो लिटरेसी रेट जो है सबसे कम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामन है, तो इसको प्रमोट करने के लिए आप जैसे यूथ को किस तरह क्या करना चाहे, और जो इंडियन आर्मी की मदद से जो यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पूछते हैं, वो इंडियन आर्मी यहाँ सपोर्ट करते हैं फॉर फ्लिंग एरियाज़ में। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है ये कि इंडियन आर्मी हमेशा से जो है सपोर्टिव रही है यहाँ के लोकल्स को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर जो है इंडियन आर्मी हमेशा सपोर्ट करती रही है। और आज का सेमिनार इसीलिए रखा गया था कि जो एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है कि नौजवान जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में है, उनको कैसे इन चीज़ों से बाहर निकाला जा सके। और आपका ये सवाल रहा कि किस तरह से एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जा सके, हम ये कहना चाहते हैं कि अवेयरनेस कैंप रिगार्डिंग एजुकेशन हर जगह मुनाकिद किए जाने चाहिए ताकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को पता चले। क्योंकि पहले एक ज़माना ऐसा था कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते थे उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। अब बैंकिंग जो अभी हमारे पास जो बैंक्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे उन्होंने भी स्कीम्स के बारे में बताया, तो अभी हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर तालीम में हिस्सा ले ताकि इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों एजुकेशन में वो जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि वो आगे जाके तरक्की कर सके, और इसी तरह से जो है लिटरेसी रेट हमारे जो इसका डिस्ट्रिक्ट रामबन का भी बढ़ सकता है। पास आउट यहाँ जो डिग्री कॉलेज बानिहाल से थे और जम्मू कश्मीर को जिन्होंने पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंट किया था हाल ही में, और जो डिस्ट्रिक्ट रामन की अगर बात करेंगे तो लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत कम है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो 12 RR जो बानिहाल आर्मी है उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरह से जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हर चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जो पीर पंचायत ट्रैकिंग का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था ट्रैकिंग 6 डेज़ का,
और पूरी तरह से इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इंडियन आर्मी कॉलेज और बाकी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करेंगे फॉर फ्लंग एरियाज और जो पॉवर्टी लाइन से जो बच्चे आते हैं तो उनको बूस्ट करने के लिए और बहुत सारी सपोर्ट की है। तो आज का जो सेमिनार है बहुत अच्छा रहा, ये इंडियन आर्मी की तरफ से था और एजुकेशन के रिलेटेड था ये। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आए थे उसके लिए जो है ना कोर्सेज है, कंप्यूटर के कोर्सेज है, इलेक्ट्रिकल के, वेल्डर के कोर्सेज है, यहाँ पे इनका काफ़ी सपोर्ट है। इन्होंने भी बोला हम सपोर्ट करेंगे, इंडियन आर्मी ने 12 RR का।